हेलो सबा, हेलो मीरा, तुम कहाँ पे हो? रोहेल से मिलने उसके फ्लैट पर आ सकती हो? वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं नहीं आ सकती और अब शायद कभी भी नहीं आ सकती। मेरी बात करो मीरब, क्या हो गया तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या सुलूक किया। मैं अच्छी तरह से जानती हूं, और तुम ये नहीं जानते हो कि मुर्तसिम कितना गुस्से में था। मुझे तुम्हारे फ्लैट पे देख के उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तुम उसे डिफेंड कर रही हो, उसको जिसकी वजह से तुम्हारा सब कुछ छिन गया, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे ड्रीम्स, सब कुछ अधूरा रह गया मीरब, उसकी वजह से। और तुम उसके लिए अभी भी स्टैंड ले रही हो कि उसने मुझे मारा तो ठीक मारा। रोहिल, मैं उसे कोई डिफेंड नहीं कर रही, मुर्तसिम ऐसा ही है, और बेवकूफ तो मैं थी। तुम्हारे कहने पे मुझे तुम्हारे फ्लैट जाना ही नहीं चाहिए था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं मीरब, मैं तुम्हारे लिए उसके सामने स्टैंड लेने के लिए तैयार हूं, तो तुम क्यों डर रही हो? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारा कोई भी नुकसान हो। आ गई बात समझ में? नुकसान माय फुट मीरब, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो रोहेल मुर्तसम तुम्हें मार देगा, जान से मार देगा। तुमसे मिलना, तुमसे बात करना, इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। जब मैं नहीं डर रहा तो तुम किस चीज से डर रही हो मीरा? मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं रहा। मोहब्बत पे यकीन है या नहीं, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें। मुझसे आइंदा मिलने की या राब्ता करने की कोशिश मत करना। अल्लाह हाफिज। से क्या हो गया? क्यों ऐसे बिहेव कर रही है ये? मैं उससे बात नहीं करूं, उससे मिलूं नहीं, उससे कोई रابطہ नहीं रखूं मैं। तो ये अगर वो तुम्हारे घर आके तुम्हारा ये हाल कर सकता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी मैंने उसको मीटअप के लिए हमेशा पागल ही देखा है। आई डोंट केयर वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, मैं मीरब को नहीं छोड़ सकता। देखो रोहित, इस तरह तुम मीरब को नुकसान ही पहुंचाओगे, क्योंकि मुर्तसिम उसको सुकून से नहीं जीने देगा। उसे मेरे साथ जीना होगा सबा, वो सिर्फ मेरी है, मैं हूं उसका कदरदान, वो मुर्तसिम नहीं। लेकिन रुहेल, उसकी अब शादी हो चुकी है, वो उसकी बीवी है, और ये बात तो मान लो। वो उसकी होकर भी उसकी नहीं है। क्या मतलब? उसने आज तक उसको कभी छूने तक नहीं दिया, वो अब तक वैसी है। हाँ सबा, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ मैं हूं, मेरा इंतजार कर रही है वो। ये उसने तुमसे कहा है? कहा था, और मुझे यकीन है कि वो सिर्फ मेरी होगी।